ऑडियो 9 मानव प्रगति एवं पर्यावरण, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। तो ब्रह्मांडीय पर्यावरण को विकृत न करें। अंतरिक्ष विज्ञानियों में आजकल यह चिंता का विषय बना हुआ है कि अब अंतरिक्ष जगत के अनुदान पृथ्वी को मिलते रहने का क्रम कम क्यों होता जा रहा है, उसकी जगह उसके अभिशापों की वर्षा अधिक होने लगी है, ऐसा क्यों? गंभीरता से विचार करने पर जिन तथ्यों की जानकारी मिलती है वह यह है कि प्रगति की स्पर्धा में इन दिनों विभिन्न देशों की अंतरिक्ष में अपना अपना कब्जा जमाने की होड़ असाधारण रूप से पड़ी है। मनुष्य ने अब पृथ्वी के अतिरिक्त चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जैसे ग्रह उपग्रह तक यात्रा क्रम चलाकर अंतरिक्ष में अपना हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया है। चंद्रमा पर तो बस्ती बसाने की भी योजना बन रही है। ऐसी दशा में इन ग्रह पिंडों के गति प्रवाह के गतिरोध उत्पन्न होता है, जिसकी प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार के विक्षोभों के रूप में सामने आती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों को लेकर प्रतिवर्ष न जाने कितने कृत्रिम भू उपग्रह छोड़े जाते हैं। यह सभी पृथ्वी के रक्षा कवच को भेदते हुए निकल जाते हैं। ओजोन से बने इस रक्षा कवच पर लगातार होने वाले प्रहार से अब वह कमजोर पड़ता जा रहा है। उसमें जगह जगह छिद्र बन गए हैं, जिससे विनाशकारी किरणें बेरोकटोक आने लगी हैं, जिससे पृथ्वी का पर्यावरण प्रभावित हुआ है और पृथ्वी में तरह तरह के उपद्रव खड़े होने लगे हैं। जब एक कवच क्षतिग्रस्त हो और अन्य सही हो तो किसी प्रकार काम चल जाता है, पर जब सभी रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गए हो तो निश्चय ही यह चिंता की बात है। अब तक तो हमें सिर्फ ओजोन परत के रूप में एकमात्र रक्षा कवच की जानकारी थी, पर विशेषज्ञ बताते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार के अनेकानेक कवच हैं। रेडियो किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर आदि परतों को इन्हीं के समतुल्य समझा जा सकता है। अंतरिक्ष से छेड़छाड़ के दौरान यह सभी परतें न्यूनाधिक रूप में विनष्ट होती है। इसके अतिरिक्त इस क्रम में हम प्रकृति के उस स्वाभाविक क्रम में भी व्यतिक्रम उत्पन्न करते हैं, जिससे समस्त ग्रह नक्षत्र संबद्ध है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष छोड़े जाने वाले सैकड़ों भू उपग्रहों के क्षतिग्रस्त पुर्जों का कबाड़ा अंतरिक्ष में अब तक इतने बड़े परिमाण में इकट्ठा हो गया है जिसे टनों में आंका जा सकता है। दिन दिन इस मलबे में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अंतरिक्ष जगत के प्रभाव में गतिरोध उत्पन्न होता है। इन दिनों अंतरिक्ष के बढ़ते दुष्प्रभाव का अनेक कारणों से यह एक प्रमुख कारण है कि उसे नगर पालिका का कूड़ा कचरा बना दिया गया है। सांप जब कुंडली के भीतर रहता है तो वह हर प्रकार सुरक्षित होता है। पिंजरों में रहने वाले शेरों एवं अन्य पशु पक्षियों के संबंध में भी यही बात लागू होती है। मनुष्य के संबंध में भी यही बात सत्य है। उसकी सुरक्षा इसी में है कि वह पृथ्वी के रक्षा कवच की लक्ष्मण रेखा के भीतर रहे। अंतरिक्ष अन्वेषण के नाम पर उससे बाहर निकलने की अनावश्यक चेष्टा न करे, अन्यथा समस्त मानवता के लिए प्राण हरण जैसी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। समय समय पर होने वाले पर्यवेक्षणों से इसकी जानकारी भी मिल रही है कि इन दिनों मनुष्य द्वारा उठाया गया कदम अंततः आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व की और अब की परिस्थितियों में जब परस्पर तुलना की जाती है तो पाया जाता है कि दोनों की स्थिति में जमीन आसमान जैसा अंतर आ गया है। इन दिनों पृथ्वी की रक्षा कुंडली में टूटने के कारण परिस्थितियां और खराब ही हुई है। जिन्होंने अंतर्ग्रही परिस्थितियों और हलचलों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया है उनका मत है कि विगत कुछ दशकों में ब्रह्मांडीय पर्यावरण में असंतुलन इतना पड़ गया है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की प्रकृति में विपरीतता का व्यवहार दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका कारण बताते हुए खगोलवेत्ता कहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड का हर घटक परोक्ष रूप से एक दूसरे से संबद्ध है। यहाँ एक ही हलचल सदा दूसरे को प्रभावित करती है। अतः प्रत्यक्ष रूप से कोई अवांछनीय कार्य न करके भी परोक्ष रूप से हम वैसे कार्यों में संलग्न हो रहे हैं जिनका दूरगामी दुष्परिणाम बाद में सामने आकर रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वविदित है। जब किसी को अनावश्यक रूप से छेड़ा जाता है तो उसका परिणाम सदा बुरा होता है। पिंजरे में बंद शेर, भालू, बंदर जैसे प्राणियों को छेड़ने पर वह कुपित होते और आक्रमण के प्रयास करते हैं।
विषधर सर्प छेड़े जाने पर न केवल फुसकारता है वरन कई अवसरों पर तो वह छेड़खानी करने वाले के लिए प्राणघातक सिद्ध होता है। अंतरिक्ष के संबंध में हमारे वर्तमान क्रियाकलाप भी इसी स्तर के हैं, फलतः उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। चंद्रमा को ही ले, वह पृथ्वी के समीप होने के कारण आकाशमंडल में विद्यमान तारों की रश्मियों को हम तक पहुंचाने में संचार उपग्रह का काम करता है। पृथ्वी का मौसम बहुत कुछ इसी के संतुलन पर निर्भर करता है। इसमें थोड़ा सा भी व्यतिरेक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे विनाशकारी परिवर्तनों को जन्म देता है। काफी पहले सन 1930 में अमेरिका में पड़े दुर्भिक्ष का प्रमुख कारण चंद्रमा की असंतुलित गतिविधियों को बताया जाता है। स्कॉट एयरफोर्स बेस के विलियम कैंपबेल ने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि पिछले दिनों भारत में पड़ने वाला असाधारण सूखा ऐसे ही अंतर्ग्रही असंतुलन का परिणाम था। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा के गतिचक्र संबंधी 500 वर्षों के रिकॉर्ड का जब अध्ययन किया गया तभी अनेक देशों में बार बार आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों का रहस्योद्घाटन हो सका। उनका कहना था कि इसी अध्ययन के बाद यह जाना जा सका कि क्यों चीन का उत्तरी भाग बाढ़ और सूखे की चपेट में लंबे समय से आता रहा है। जापान और दक्षिण अमेरिका में आने वाले प्राकृतिक प्रकोप भी अंतर्ग्रही असंतुलन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में उत्पन्न विग्रह बताए जाते हैं। अंतर्ग्रही संबंधों और प्रभाव का उल्लेख भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही कर दिया था और कहा था कि हम सब ग्रह नक्षत्रों से असंदिग्ध रूप से प्रभावित होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने ज्योतिष का विकास किया था ताकि ग्रहों का विशिष्ट लाभ विशिष्ट परिमाण में हस्तगत करने के लिए विशिष्ट एवं उपयुक्त समय की जानकारी प्राप्त की जा सके। उसकी गणना और परिणामों की सत्यता के आधार पर ही उसे विज्ञान स्तर की मान्यता मिल सकी और उसकी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उसे स्वीकार किया जा सका। इससे न सिर्फ इस विधा की प्रामाणिकता सिद्ध हो सकी वरन अंतर्ग्रही प्रभावों परिणामों की भी सत्यता असंदिग्ध सिद्ध हुई। तब ज्योतिर्विज्ञान का विकास इसलिए किया गया था कि अंतर्ग्रही अनुदानों से लाभान्वित हुआ जा सके, पर अंतरिक्षीय प्रवाह के स्वाभाविक क्रम में छेड़छाड़ से अब स्थिति वैसी नहीं रही। कारण है कि अब उसकी गणनाएं और भविष्यवाणियां प्रायः गलत सिद्ध होने लगी है तथा ग्रह पिंडों के दुष्परिणाम बढ़ने लगे हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्रों ने अपने अनुदान पूर्णतः बंद कर दिए हो। सूर्य अब भी महासूर्य से ताप और तेजस्विता अर्जित करके पृथ्वी सहित अन्य अनेकों ग्रहों को आभा और ऊर्जा प्रदान करता रहता है। उसी प्रकार चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। यदि उसकी शीतलता पृथ्वी को प्राप्त होती नहीं रहती तो यहाँ सब कुछ जलकर भस्मसात हो गया होता। यह सब ग्रहों के धरतीवासियों पर उपकार है जो आगे भी बने रह सकते हैं, बशर्ते कि उपकार का बदला प्रत्युपकार चुकाया जाए, छेड़खानी न की जाए। अन्यथा माँ जैसी स्नेह शीतलता का अनुदान वरदान प्रदान करने वाले ग्रह गोलक काली दुर्गा खुशकारती सर्पिणी खूंखार शिरणी की भूमिका निभाने लगे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अच्छा हो हम पहले अपने ग्रह का पृथ्वी का ध्यान रखें, अंतरिक्ष में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, तभी हम उनके बढ़े चढ़े अनुदानों को हस्तगत करने में सफल हो सकते हैं। भौतिक प्रगति, पर्यावरण की क्षति, मानव की दुर्गति, प्रकृति की प्रत्यक्ष पदार्थ संपदा और अदृश्य शक्तियों की अधिकाधिक उपलब्धि से ही मनुष्य इतना साधन संपन्न और समर्थ बन सका है कि उसे सर्वसमर्थ कहा जाने लगा है। विश्वास किया जाना चाहिए कि यह प्रगति क्रम दिन दिन आगे ही चलेगा। जो लाभदायक पक्ष हाथ लगा है उसे छोड़ते नहीं बनता। धरती से खाद्य उत्पादन और पशुपालन के लाभ जब तक विदित न रहे होंगे तब तक आदिकाल के मनुष्य का काम किसी अन्य प्रकारों के सहारे भी चल जाता होगा। पर अब जबकि ये विधाएं उपलब्ध हो गई है यह संभव नहीं रहा कि उनका परित्याग कर दिया जाए। आग से लेकर बिजली तक का प्रयोग जब से व्यवहार में आने लगा है तब से यह निश्चित हो गया है कि भविष्य में कभी भी इनसे विमुख नहीं हुआ जा सकेगा। इसी आधार पर यह भी मानकर चलना चाहिए कि प्रकृति के रहस्यों का अन्वेषण और दोहन भविष्य में और भी द्रुत गति से चलेगा। निश्चित ही उसी गति से पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं भी बढ़ती ही जाएगी। न संपदा को पर्याप्त माना जा सकता है और न सुविधा संवर्धन की ललक घट सकती है। यह क्रम पीछे नहीं हटेगा वरन आगे ही बढ़ेगा। भावी पीढ़ियां अब की
अपेक्षा और भी अधिक साधन संपन्न होगी। ऐसी दशा में यह खतरा और भी अधिक बढ़ेगा। यदि कहीं उनका दुरुपयोग होने लगा तो उपलब्धियां अनर्थ का कारण बनेगी। जब तक लाठी हाथ में है तब तक उसके दुरुपयोग का बचाव भी हो सकता है, पर जब मशीन गन चलने लगे और बम बरसने लगे तो फिर सुरक्षा का प्रश्न कठिन हो जाता है। असाधारण उपलब्धियां यदि कभी नियंत्रण से बाहर होने लगे और मनुष्य की उद्दंडता पर अनुशासन न लगे तो परिणति कितनी भयंकर होती है, इसका परिचय भूतकाल में भी मनुष्य जाति अनेक बार प्राप्त कर चुकी है। रुद्रासुर, हिरण्यकशिपु, महिषासुर, भस्मासुर, रावण, कंस, दुर्योधन से लेकर मध्यकालीन आक्रांताओं के दिल दहलाने वाले कृत्य अभी भी सामने हैं, जिन्होंने कत्ले आम की श्रृंखला चलाई थी और निरीह को गाजर मूली की तरह काटकर रख दिया था। यह सामर्थ्य ही है जो अनियंत्रित होने पर प्रेत पिशाच का रूप धर लेती है और उपलब्धियों के अहंकार में कुछ भी कर बैठती है। यह अनर्थ अगले दिनों और भी अधिक तेजी से दोहराया जा सकता है। मदांध जो भी कर बैठे वह कम है। अनुबम बने ही नहीं प्रयुक्त भी हुए हैं और सारे संसार पर आतंक की छाप छोड़ गए हैं। ऐसा ही दुरुपयोग भविष्य का शक्ति संपन्न मनुष्य न करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसी दशा में उपलब्धियों का हर्ष आकांक्षाओं के विवाद से गिरकर ऐसा बन जाएगा जिसे वरदान नहीं अभिशाप ही गिना जाएगा। उपार्जन सरल है, उसे तो लुटेरे भी बड़ी मात्रा में कर लेते हैं, पर सदुपयोग के लिए बड़ी चढ़ी विवेकशीलता और दूरदर्शिता चाहिए। इसके बिना खतरा ही खतरा बना रहेगा। किसी उद्दंड के हाथ में पहुंची माचिस की एक तिल्ली सारे गाँव को भी देखते देखते जलाकर भस्म कर सकती है। फिर महाविनाशकारी अस्त्रों के ढेर में किसी पागल द्वारा एक चिंगारी फेंक देने पर इस सुंदर पृथ्वी का, प्राणी जगत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। आश्चर्य इस बात का है कि सुविधा साधनों की इतनी अभिवृद्धि होते हुए भी मनुष्य विलास, अनाचार और आक्रमण पर इस कदर क्यों उतर हुए और यह ढीढ़ता दिन दिन क्यों अधिक बढ़ती जा रही है। कानून कचहरी क्यों काम नहीं आ रही है। धर्मोपदेश और नीति नियमन के लिए किए जा रहे अनेकों प्रस्तुतिकरण क्यों अप्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। साहित्य, संगीत, कला का परंपरागत रुझान अपना परंपरागत राजमार्ग छोड़कर किस कारण पतन और पराभव का वातावरण बनाने को जुट गया है। यह सभी प्रश्न जितने अनसुलझे हैं उतने ही कष्टकारक भी है। साथ ही यह सोचा जा सकता है कि जब अगले दिनों मानव अधिक चतुर और समर्थ होगा तो वह सार्वजनिक शांति के लिए कितना खतरनाक सिद्ध होगा। ऐसी दशा में अगले दिनों जिस प्रगति की आशा की जाती और संभावना देखी जाती है उसका लाभ मनुष्य को मिलेगा या वह और भी अधिक गहरे दलदल में फंस जाएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है। इस अनबूझ पहेली की जड़ उस वैज्ञानिक प्रगति के साथ जुड़ी देखी जा सकती है जिसने आज हमें अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न बनाया है। आश्चर्य यह है कि ऐसी उल्टी गंगा कैसे बहने लगी जिससे अधिक सुविधाओं की अपेक्षा की गई थी पर अधिक भारी पड़ रही है। नैतिकता, सामाजिकता, चरित्रनिष्ठा जैसे मानवीय गरिमा के आधारभूत तथ्यों का एक प्रकार से दिवाला निकलता चला जा रहा है। एक ओर प्रगति, दूसरी ओर उससे भी अधिक अवगति। एक ओर आँख से लाभ ही लाभ दिखता है तो दूसरी ओर हानि, अनर्थ और पर्यावरण असंतुलन की विभीषिका उपजती जा रही है। इस असमंजस को क्या कहा जाए, इस दुर्गति के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। विज्ञान ने साधन संवर्धन के लिए जो अधिक परिश्रम किया है उसकी सराहना की जाएगी। तथ्यों का पता लगाने में उसने पूर्वग्रहों से तनिक भी लगाव नहीं रखा है, यह उसकी सत्यनिष्ठा है। अन्वेषणों में योगी स्तर की एकाग्रता का जो उपयोग हुआ है उसने तथाकथित ध्यान योगियों को एक कोने में बिठा दिया है। समूची मनुष्य जाति उसके सुई माचिस जैसे छोटे साधनों से लेकर माइक्रोचिप्स कंप्यूटरों की विविधता से लाभान्वित हुई है। शल्य चिकित्सा ने वरदान की भूमिका निभाई है। द्रुतगामी वाहनों और संचार साधनों से असाधारण सुविधा हाथ लगी है। ऐसे ऐसे अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं जिनके आधार पर विज्ञान की मुक्त कंठ से सराहना की जा सकती है, पर बात एक ही जगह अटक जाती है कि उसने मानवीय आदर्शवादिता के तत्व दर्शन को अमान्य ठहराकर पशु और पिशाच की श्रेणी तक बढ़ चलने की छूट दे दी है। पशु के लिए कोई मर्यादा नहीं, पिशाच के लिए कोई कुकृत्य नहीं। मांसाहार और पशु शरीरों के परीक्षण के नाम पर चीरफाड़, फैशन के लिए प्राणियों की चमड़ी उखाड़ना,
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित नहीं ठहरता, पर उससे इकोलॉजिकल बैलेंस तो गड़बड़ाता ही है। फिर जब भावनात्मक करुणा का बोध टूटा तो फिर वह आगे ही बढ़ेगा। आज नहीं तो कल वैसा ही व्यवहार मनुष्य मनुष्य के साथ करने में भी कोई संकोच न करेगा। दार्शनिक छूट मिल जाने पर मनुष्य कुछ भी कुकृत्य कर सकता है। उसकी चतुरता समाज की आंखों में धूल झोंकने और कानून को चकमा देने में सहज सफल हो सकती है। नास्तिकवादी मनोभूमि चाहे विज्ञान द्वारा समर्थित हो या किसी अन्य कारण उपजी हो, संसार के लिए विघातक ही साबित हुई है। मनुष्य से लेकर अन्य प्राणियों के कत्लेआम उसी निष्ठुरता की देन है, जो भावना तंत्र को मृत नहीं तो मूर्छित करके अदृश्य कर देती है। नृशंसता का लंबा इतिहास है, उसका व्यवहार भी विचित्र विचित्र रीति से व्यापक क्षेत्र में होता है। यो यह कुसंस्कार पाए तो अनायत भी जाते हैं, पर जब उन्हें विज्ञान जैसे प्रामाणिक समझे जाने वाले तंत्र का समर्थन मिल जाता है तो फिर करेला नीम चढ़ा की उपी चरितार्थ होती है। कामुकता की अति और तद विषयक मर्यादाओं का समापन यावत जीवेत सुखम जीवेत का ही एक रूप कहा जाएगा। इसी प्रकार अनेकानेक अनाचार जो इन दिनों बरसाती उद्भीजों की तरह उभर पड़े हैं, उन्हीं यदि उन्हें प्रत्यक्षवादी भौतिक दर्शन की देन कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। तात्कालीन लाभ के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रत्यक्षवादी देन भौतिक विज्ञान ने दी है। जीव जंतुओं की गतिविधियों का उल्लेख वे इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य की विशेष जिम्मेदारी की बात तो अध्यात्म मार्ग में आती है, उसे मान्यता क्यों मिले? औद्योगिकरण के विस्तार का श्रेय विज्ञान को है, साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण से भर देने का दोष भी उसे देना होगा। द्रुतगामी वाहनों और विशालकाय कारखानों के लिए जो ईंधन प्रयुक्त होता है, उससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आकाश के तापमान की वृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी का अतिशय प्रयोग होने से तापमान की अभिवृद्धि और वनों का विनाश जैसे अनेकों संकट खड़े होते हैं। उसकी प्रतिक्रिया जब प्रौढ़ता के स्तर पर पहुंचेगी तो उसका प्रतिफल समुद्रों के उफनने, हिम भंडारों के गलने के रूप में अपनी भयंकरता प्रकट किए बिना न रहेगा। अणु ईंधन के प्रयोग से फैलने वाला विकिरण प्राणियों की जीवनी शक्ति को भारी आघात पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। ओजोन परत फटने से ब्रह्मांड किरणें, सौर लपटे धरती पर बरसने लगने और जो उपयोगी है उसे जला डालने की चेतावनी अभी से मिल रही है।